वन पीस वॉइस रिवील पार्ट टू। तो पिछले पार्ट के अंदर गाइस हमने बात की थी कि लूफी की वॉइस कौन है, नामी की वॉइस कौन है, सांजी की वॉइस कौन है, जोरो की वॉइस कौन है, निक रॉबिन की वॉइस कौन है, चॉपर की वॉइस कौन है, बहुत सारी बातें। नहीं देखी वीडियो गाइस जाके देखो, पार्ट वन इज रिलीज नाउ एंड उसमें तुमने बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स दिया है वीडियो के ऊपर, तो पार्ट टू आना तो बनता ही था। और इस पार्ट के अंदर गाइस बहुत मजे आने वाले हैं। हम बात करेंगे काइडो के बारे में, फ्रैंकी के बारे में, ब्रूक के बारे में, सांजी के बारे में। हाँ, सांजी के बारे में बात करने वाले हैं। वो एक्चुअली जो पिछले वीडियो में बताया आपको सांजी की वॉइस, वो सांजी की वॉइस नहीं है, वो किसी और की वॉइस थी, मिस्टेक हो गया। मैंने कहा था 90%, वो 0% हो गया। पर कोई नहीं, होते रहता है जिंदगी में, फ्लॉस एंड फ्लीज चलते रहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं। और जानने वाले हैं ओतामा की वॉइस कौन है, तोको की वॉइस कौन है, उराशिमा की वॉइस कौन है, बहुत लंबी लिस्ट है, बीपो, तोनोयासु, तारे बारे में बात करने वाले, तो बहुत मजा आएगा वीडियो के अंदर, लाइक करो। और हाँ, वन पीस आज से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई प्लीज सपोर्ट कर लो आप लोग, जो लोग करना चाहते हो, एंड प्लीज देखो इसलिए बिकॉज गाइस बहुत मेहनत करने वाले हमारे सारे वॉइस एक्टर्स, बिकॉज कार्टून नेटवर्क का बजट थोड़ा कम है, इसलिए उसने बहुत कम वॉइस एक्टर्स हायर करे हैं। यहाँ पे आपको राजेश कावास सर, साहिल कुलकर्णी सर और बहुत सारे वॉइस एक्टर्स देखने को नहीं मिलने वाले, जो कि मिलने वाले थे, उनको कॉल गया था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, ये लोग जो होंगे वो बहुत जान लगाने वाले, तो आई होप मजा आएगा। तो अब जान लेते हैं कौन कौन है, ये स्टार्ट करते हैं, इस बात करते हैं, लेट्स गो। स्टार्टिंग करते हैं ओतामा की वॉइस से। इसकी वॉइस के लिए थोड़ी ऐसी वॉइस एक्ट्रेस होना चाहिए जो कि बहुत ही क्यूट बोलती हूँ, मतलब बहुत प्यारा, एंड हाँ वो है भी, बिकॉज इसको डब करने वाली है महिमा मैम। यप, इन्होंने अभी बूचीगिरी के अंदर बहुत ही प्यारी वॉइस दी है महारो जिन को, एंड आप ये सुन के आओ, आपको पता पड़ेगा कितनी क्यूट वॉइस है इनकी। हमेशा आपके साथ रह पाती भैया, ना कि उस बेहुदा लड़के के साथ। आप मेरी बात सुन भी रहे हो? ओह, हाँ, ऑल द बेस्ट मैम, अच्छा काम करना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सांजी एंड क्योशिरो के बारे में। हाँ, दोनों को सेम वॉइस डब करने वाली है, एंड इस वॉइस का नाम है वैभव देव सर। इनका वॉइस सैंपल मुझे मिला नहीं उतना ज्यादा, लेकिन इनका एक बहुत बढ़िया गाना मिला है, सुनते दोस्तों आओ। खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। ऐसे ही काम सांजी की वॉइस में भी करना एंड क्योशिरो की वॉइस में भी करना। तो सांजी एंड क्योशिरो, वैभव सर। अब बढ़ते गए नेक्स्ट वॉइस की तरफ, जो कि है निकिता लोखंडे साखड़कर मैम की वॉइस। याद है पिछली बार चोपर की वॉइस दे रही थी वो, लेकिन अब और भी वॉइस देने वाली है वो। ये वॉइस देने वाली है चोपर, कामोरसा की और तोको को। लेकिन अगर उन सब स्टूडेंट्स में आपने मुझे चूज नहीं किया होता तो मुझे अपनी लाइफ बदलने का मौका नहीं मिलता। कोई गलत फहमी नहीं है, दूर रहने के दर्द से ही प्यार का पता चलता है। तो गाइज, आई होप एंड आई वॉन्ट कि आप लोग सपोर्ट करोगे, बिकॉज ये बहुत सब लोग जान लगाने वाले हैं, एंड आई वॉन्ट कि आप लोग सपोर्ट करो। स्पेशली निकिता मैम से मेरी बात भी हुई थी, तो भाई उन लोगों उनको लग रहा है कि हमारी वॉइस पसंद आएगी या नहीं आएगी, तो दोस्तों सपोर्ट, ठीक है। अब गाइज बात करते हैं ब्रूक, बेपो और तोनायासु की वॉइस के बारे में। Yes, इन सबको एक ही बंदा वॉइस दे रहा है, एंड वो होने वाला है विदित कुमार सर। इनकी वॉइस आपने जेजेके के अंदर सुनी होगी एज इतादोरी। आपकी मौत सही तरीके से हुई थी ग्रैंडपा। एंड इनको आपने एज डेकू सुना है इन माय हीरो एकेडमिया सीजन 4। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। काफी बढ़िया वॉइस है इनकी, काफी मजेदार वॉइस है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बिपो, ब्रूक, ये कैसे कितना मॉड्यूलेशन करने वाले हैं वो देखना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन विदित कुमार सर की वॉइस मस्त है, एंड मजा आएगा इनको सुनने में। तो हाँ, ऑल द बेस्ट विदित सर, आग लगा दो। अब गाइस बात करते हैं फ्रैंकी और उराशिमा की वॉइस के बारे में। फ्रैंकी और उराशिमा की वॉइस बहुत ही अलग चीज हो गई है। फ्रैंकी की पतली वॉइस है, उराशिमा की मोटी वॉइस है, पर इनको एक ही वॉइस एक्टर डब करने वाले हैं। हाँ, इन दोनों वॉइसेस को एक ही वॉइस एक्टर डब करने वाले, जो कि होने वाले हैं प्रथम कालरा सर। प्रथम सर ने अभी हाल ही में जोबू को वॉइस दी है इन बुच्ची गिरी। सुनोगे, सुनो। पर बोलते हैं जिसे कुछ महीने पहले मिनाटो से निकाल दिया गया था, लगता है अभी तक अकड़ गई नहीं। हाँ, तेरी और ताकत, और ताकत, और ताकत। मेरा शरीर, मेरा स्पिरिट, इतनी ताकत लगाओ कि
काफी मस्त वॉइस है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फ्रैंकी पे तो जम सकती पर उराशिमा पे कैसे जमने वाली है, मैं देखूंगा क्या मॉड्यूलेशन होने वाली है एंड बड़ा मजा आएगा सर को सुनने में एज फ्रैंकी एंड उराशिमा। तो हाँ सर, ऑल द बेस्ट। और अब बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड वॉइस रिवील काइडो के बारे में। काइडो की वॉइस बहुत ज्यादा भारी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज काइडो इज द मेन विलन ऑफ वन पीस। और इसकी वॉइस भारी होने भी वाली बिकॉज इनको डब करने वाले हैं मनोज पांडे सर। मनोज पांडे सर की वॉइस बहुत ज्यादा मस्त है, आपने इनको सुना हुआ है एज पांडा इन JJK, मजेदार काम किया है, सैंपल सुनो आप लोग। गलत बात है, तुम मुझसे जानवरों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? और तो और दोस्तों, अभी नर्ड रिपोर्टिंग के अंदर हाल ही में इन्होंने बाकी को वॉइस भी दी है। कंकुरो, वो आदमी जिसे गारा तक नहीं हरा पाया, उसे तुम अकेले कैसे हरा पाओगे? वन ऑफ माई फेवरेट वॉइस इन नर्ड रिपोर्टिंग, तो बहुत कमाल वॉइस, मजा आने वाला है बाकी को क्या काइडो को सुनने में एज मनोज पांडे सर। सो या आई होप कि सब लोग बेस्ट से बेस्ट काम करेंगे एंड आप लोग प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एनीमे हिंदी में आ रहा है, हमको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप लोग वानो आर्क से देख सकते हो या देखा हुआ है वानो आर्क, तो प्लीज देखो एंड कार्टून नेटवर्क पे सपोर्ट करो, 1 बजे संडे को आएगा, मजा आएगा। दूसरी बात, हमारे वॉइस एक्टर इतने सारे कैरेक्टर को डब करने वाले, तो भाई देखना मेरे को ये है कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। तो कल मेनली कल है, अब आपके लिए आज है, क्योंकि अभी 1 घंटे में चालू हो जाएगा वन पीस। हाँ, मैं अभी 12 बजे वीडियो डाल रहा हूँ, तो 1 बजे आ जाएगा, तो ऐसा 1 घंटा। अभी मेरे को ये पता नहीं कि कितने एपिसोड्स आने वाले हैं, तो देखते क्या होने वाले हैं, मजा आएगा यार थोड़ा, ठीक है। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर, एंड वॉइस आर्टिस्ट को सपोर्ट करो बिकॉज दे आर गोइंग टू डब योर फेवरेट कैरेक्टर्स इन योर मदर लैंग्वेज। मदर बोलते ना, मदर लैंग्वेज, फादर तो नहीं, मदर लैंग्वेज, ठीक है। टाटा टेक केयर, बाय बाय, एंड आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर तीनों कर दो, अभी करो प्लीज, बाय बाय, टेक। और हाँ, मैंने कहा था ना कि वन पीस में देखने वाला हूँ, स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ में, तो क्या हुआ ना, वन पीस वो स्टार्ट करने वाले डेट फाइनल करने से पहले मेरी एग्जाम की डेट आने वाली है, तो बस इतना काफ़ी था, बाय बाय।